हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सूरज मंडोल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल सूरज। दोस्तों, एक सैंपल है पेंटिंग का, आप देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको शुरू से बता रहा हूँ, मैं ये सैंपल दिया गया है मुझे, इससे थोड़ा एक्सरसाइज बड़ा होने वाला है। तो मैंने ये तार जो है तेजी का बनाना है, फ्रेम बनाऊँगा पहले। ये देखिए, इसका फ्रेम बनाना है इस तरह से, चांद पहले, पास्टर का चांद पहले बनाऊँगा, पास्टर पर सोल्डर करने के लिए। ये तार आप 23 गेज 24 गेज ले सकते हैं। ये तार जो है 24 गेज है, इस तरह से गोल करूंगा पहले। और इसके ऊपर से भी जो चांद था ना तार, उसका भी, उसके लिए भी ये तार लगाऊंगा। ये तार उससे बारीक है, ये है 24 गेज का। तो देखिए, इस तरह से चांद पहले बनाऊंगा। देखिए, मैंने चांद लगभग होने को आया है इस तरह से। चांद बनने के बाद इसको ये सुहागा पानी है, सुहागा पानी में लगा के जो है पास्टर पे सोल्डर करूंगा। कट करने के बाद इसको खोल देना है। तो खोल देने के लिए आप एक कांसला इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लकड़ी का कांसला। इसको खोल देंगे तो ये खुल अच्छा आएगा इसमें। तो अच्छे से इसको हल्का हल्का खोल देना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। खोल देने के बाद एक इस तरह से खोलोगा, फिर अंदर से कातर से काट लेना है। फिर काला मोम है इसमें सजाएंगे। सजाने के लिए हमेशा 3-4 लाइन बनाना चाहिए, उसके बाद सजाना चाहिए, फिर जो है सेंटर साइड से परफेक्ट माप आएगा। इसके अंदर से मोम भरूंगा, उससे पहले ये देखिए एक पास्टर लिया और इसमें बैंड दे के हाफ राउंड पाइप करना है, इसको हाफ पाइप करना है। तापाई हो चुका है, अब इसके अंदर मोम भरूंगा, हल्का करके मोम भरना है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटे को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसके मैसेज आपके पास आ जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। दोस्तों, यहाँ पे मोम भरने के बाद ये देखिए मोम भर लिया मैंने। ये तार जो लगाया, ये माप करके लगाया मैंने, बाद में आपको बताऊंगा। तो आप पहले काम देख लीजिए, उसके बाद आपको वापस बात करते हैं आपके साथ। ये देखिए, डाई लगाने के बाद जो अभी का जो है, तो डाई लगा रहा हूँ, पहले नीचे फिर ऊपर डाई लगाया। ये पहले ही माप करके मैंने तार काटा था, तो इस तरह से पहले आपको माप करके तार काटने के बाद सजाना चाहिए। मैंने पहले माप करके तार लगाया था। Thank you.
तो दोस्तों ये लगभग डिजाइन तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक हाफ राउंड लगा दिया कड़ी घूंघरू के लिए, अभी रेडी हो चुका है। तो अभी प्लास्टर डालेगा मेरा दोस्त, देखिए अभी प्लास्टर बुनना चालू हो गया है। प्लास्टर भी डाल देंगे इसके अंदर, ज़्यादा पतला नहीं। फिर लगभग 15-20 मिनट बाद जब सूख जाएगा इसको हल्का गर्म करके निकाल लेना है। केरोसिन ऑयल से साफ करना है, केरोसिन ऑयल से कापूस के साथ साफ करना है हल्का हल्का। उसके बाद डाई है बोल के इसमें सुहागा पानी लगाना है, सुहागा पानी घोल के लगाना है अच्छे से। फिर सुखाना है, उसके बाद सुखाने के बाद आपको पता है हल्के हल्के उसको सोल्डर करना है। सोल्डर का अलग से वीडियो है एक, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा बताया डिटेल्स में कि मैं कैसे सोल्डर करता हूँ, और आप ये भी देख सकते हैं। देखिए ये पॉलिश से पहले का वीडियो है, ये अभी एसिड है सिर्फ, मुझे घूंघरू लगा दिया मैंने, चार घूंघरू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है पेंडेंट, अभी ताश पॉलिश होगा।